हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करेंगे पीआई इंडस्ट्रीज की। दोस्तों, हमने हमारा ऐप लॉन्च किया है investyadnya.in। गूगल प्ले स्टोर को विजिट कीजिए, वहां से आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप से आप आपका फ्री फाइनेंशियल प्लान बना सकते हो। उसके बाद हमारे मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्रिप्शन करना है, या फिर स्टॉक्स वीडियो सब्सक्रिप्शन करना है, या म्यूचुअल फंड रिव्यू सब्सक्रिप्शन करना है, तो वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। न्यू हाई ये कूपन कोड अभी भी एक्टिव है। अराउंड 12-27% का डिस्काउंट आपको कॉम्बो प्लान्स पे मिल सकता है, तो जरूर इस चीज का लाभ उठाइएगा दोस्तों, और हमारी वेबसाइट investyadnya.in को विजिट कीजिएगा। बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे, सर पीआई इंडस्ट्रीज का एटलीस्ट एक छोटा सा स्टॉक एनालिसिस तो आप लोग बना दीजिए। तो हमने इस वीडियो में यही कोशिश की है कि पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा जाए। डिटेल एनालिसिस करने का हमने सोचा है, बट बहुत ज्यादा टेक्निकल ये कंपनी है ऐसा हमें लगा है। सो बहुत अनलेस यू नो कि उनके कोर कॉम्पिटेंसेस क्या है, वो पर्टिकुलर सेक्टर कैसे वर्कआउट होता है, तो इट विल नॉट बी राइट ऑन आर पार्ट टू मेक अ डिटेल्ड एनालिसिस। हाँ, बट फाइनेंशियल्स आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की जाएगी। उससे कंपनी का अभी ये जो रिसेंट रैली हुआ है कंपनी में, तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं कंपनी में, तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों। सो ये जो कंपनी है दोस्तों, 1946 में फॉर्म हुई थी, 1946। तो बहुत अच्छी हिस्ट्री इस कंपनी के पास अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 70+ इयर्स का इसका एक्सपीरियंस है। 1946 में इस कंपनी का नाम था मेवार ऑयल एंड जनरल मिल्स लिमिटेड। तो ये कंपनी मेजरली, जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल गया होगा, ये एक एग्रोकेमिकल काइंड ऑफ कंपनी है। 1991 में इस कंपनी का नाम पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से चेंज हुआ। सो वैसे देखा जाएगा तो अच्छा खासा हिस्ट्री इस कंपनी के पास अवेलेबल है। मेजर अगर कोई प्रोडक्ट्स है इस कंपनी के, वो है इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। तो ये प्रोडक्ट सुनते ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेजरली एग्रीकल्चरल रिलेटेड केमिकल्स ये बनाती है। स्पेसिफिकली प्लांट का जो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें बनाई जाती है। ये जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, उसमें मिनिमल लॉसेस हो, इस चीज पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है। और इंडिया जैसी कंट्री जहां पे 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, ऊपर से जिस तरीके से हमने देखा है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है बाय 2022 जो फार्मर्स का इनकम है वो एटलीस्ट यहां से ट्वाइस होना चाहिए, यानी कि 100% से ग्रोथ होनी चाहिए उस इनकम में। तो वहां ये कंपनी का रोल काफी ज्यादा प्ले होता है, और इसीलिए मेजरली सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस पे काफी ज्यादा पॉजिटिव हुए हैं। तो वो कितने हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कैसे हैं, वो भी इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने रखेंगे। सो यहां पे सिर्फ ये प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करती कंपनी, अच्छा खासा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी अच्छा खर्चा होता है कंपनी की तरफ से। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले एटलीस्ट 2 साल का प्रॉपर R&D वर्क होता है, उसके बाद प्रॉपरली प्रोडक्ट की पोजीशनिंग होती है, एंड देन प्रॉपर ब्रांडिंग मार्केटिंग की जाती है। तो एक कंप्लीट साइकिल मैनेज होती है, R&D करो, प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से प्लेस करो, एंड देन उसकी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग भी करो। तो हर चीज पे मेटिकुलसली इनका जो प्रमोटर है वो ध्यान देता है, और ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ देखी जाती है। सो इनका अगर प्रेजेंस के बारे में बात करेंगे तो 30+ कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है। 4 कंट्रीज में इन्होंने अपने ऑफिसेज भी खोले हुए हैं। 2000+ पीपल डायरेक्टली इनके पास एम्प्लॉयड है। मोर देन 10,000+ डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स है इनके पास, एंड अराउंड 60,000+ रिटेल पॉइंट्स में इनका प्रेजेंस है। तो आप लोग समझ सकते हो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस कंपनी ने बनाया हुआ है। जैसे हमने आप लोगों को बताया कि कंपनी अच्छा खासा ध्यान मार्केटिंग और सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन पे देती है। सो मोर देन 60% ऑफ द रिवेन्यू जो आता है कंपनी के पास
वो ऐसे ब्रांड से आता है या फिर ऐसे प्रोडक्ट से आता है जो मार्केट में नंबर वन पोजीशन पे है। तो और वो भी ये जो नंबर वन पोजीशन पे है ब्रांड्स वो मोर देन अ डिकेड लॉन्ग है, तो अच्छा खासा कंटिन्यूटी भी यहां नजर आता है। और जो कंपिटिटर्स है वो वहां पे उनको ज्यादा चैलेंज भी नहीं कर पा रहे। ओवरऑल मोर देन 50% तक का भी इन्होंने कहीं कहीं कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में इनका मार्केट शेयर है। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। सो ओवरऑल कंटिन्यूटी है, बिजनेस कंटिन्यूटी है, आने वाले समय में अर्निंग विजिबिलिटी भी अच्छी नजर आ रही है। ऊपर से इंडिया जैसी कंट्री जहां पे एग्रीकल्चरल पे बहुत ज्यादा फोकस है और वो ऐसी कंपनी है कि भाई ऐसा है कि सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट लॉन्च के पहले एक 2 साल का R&D का वर्क भी होता है, फिर प्रोडक्ट लॉन्च होता है, फिर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग पे भी ध्यान दिया जाता है। तो एक कंप्लीटली वेल मैनेज काइंड ऑफ कंपनी नजर आ रही है हमें। तो ये मेजरली क्वालिटेटिव काइंड ऑफ एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की। अभी बात करते हैं थोड़े से फाइनेंशियल्स पे दोस्तों। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का अराउंड 20,400 करोड़ रुपीज का। सो जैसे ही मार्केट कैपिटलाइजेशन हम बोलते हैं तो हम हमेशा ये बताने की कोशिश करते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन ये एक मिड कैप कंपनी है। मिड कैप कंपनी का डेफिनेशन आप लोगों को पता होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूं। टॉप 100 कंपनीज होती है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप कंपनीज, देन 101 टू 250 कंपनीज होती है, रैंक वाली कंपनीज होती है मिड कैप कंपनीज, एंड 250 प्लस रैंक वाली सारी कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज है। तो ये 20,000 करोड़ रुपीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ एक मिड कैप कंपनी है। ओवरऑल एक रॉ आप लोगों को आइडिया दे दे तो बिटवीन 9,000 करोड़ टू 30,000 करोड़ ये सारी कंपनीज मिड कैप कंपनीज है। सो लास्ट 1 ईयर में अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रो हुआ है कंपनी का। अराउंड 76% के रिटर्न्स इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिए है। 800 के लेवल से ऊपर आके ये स्टॉक अभी अराउंड 1400 प्लस लेवल पे ट्रेड हो रहा है। तो ये दर्शाता है कि अच्छा खासा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इस स्टॉक में बना हुआ है। देन अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो अराउंड 24% प्लस का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का, एंड रिटर्न ऑन इक्विटीज अराउंड 19.14% का। कोई भी या फिर एक भी पैसे का डेट इस कंपनी पे नहीं है, तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को इग्नोर किया तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसा कोई कमिटमेंट या इंटरेस्ट का कमिटमेंट कंपनी की तरफ यहां पे नजर नहीं आता है। 3 साल का अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ देखूं तो अराउंड 8.8% का है, एंड 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ है 16.09% का। अभी आप बोलोगे सर 3 साल का 8% का 9% का प्रॉफिट ग्रोथ, फिर इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्यों बिल्ड हो रहा है इस कंपनी में, तो इतने अच्छे रिटर्न्स क्यों आ रहे हैं। और सेल्स ग्रोथ भी अगर देखोगे तो 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 10.66% एंड 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ है 12.23%। सो यहां अगर हम कुछ नंबर्स रिसेंट नंबर्स पे देखेंगे तो लास्ट 12 मंथ्स का मैं आप लोगों के सामने प्रॉफिट ग्रोथ अगर बताऊं तो वो है अराउंड 24.76%। सो ये एक पॉजिटिव साइन है। ओवरऑल टॉप लाइन यानी कि सेल्स का ग्रोथ अच्छा नजर आया है यहां पे। वैसे देखा जाएगा तो जब ये कंपनी अपने पीक ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे थे, ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छे थे, तब ये अराउंड 24-25% तक था वो नंबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का। अभी रिसेंटली ये 21% तक आया है, बट हमें लगता है आने वाले समय में जिस तरीके से कंपनी का R&D पे फोकस है, ओवरऑल प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फोकस है, ब्रांड पोजिशनिंग पे फोकस है, मार्केटिंग पे फोकस है, तो हमें लगता है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आने वाले समय में काफी इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि रीच जो है वो कंपनी बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश यहां पे कर रही है। और उस तरीके से देखा जाएगा तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ओवरऑल लॉन्गर होराइजन के हिसाब से यहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है दोस्तों। बाकी अगर लास्ट 5 सालों में हम देखेंगे तो कैश फ्लो जो है, फ्री कैश फ्लो ये हमेशा पॉजिटिव रहा है, सो दैट इज आल्सो वेरी पॉजिटिव साइन। लास्ट ईयर या फिर लास्ट 6 मंथ्स में इन्होंने अराउंड 350 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स किया है। सो दिस शोज दैट कि कंपनी के पास आने वाले समय में अच्छे खासे ऑर्डर्स आ सकते हैं,
तो उस हिसाब से कंपनी इज वेल प्रिपेयर्ड कि कहां पे क्या कितनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करनी है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव साइड। अभी बात करते हैं थोड़ा सा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नॉर्मली वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू पे हम आप लोगों को प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ही कॉन्सेंट्रेट करवाते हैं, तो यहां पे भी वही करने की कोशिश करेंगे। एवरेज पी रेशियो की बात करेंगे, अगर 3 साल का एवरेज पी रेशियो देखेंगे तो वो नंबर है अराउंड 29.5 का, 5 साल का एवरेज पी रेशियो है अराउंड 29 एंड 10 ईयर्स का एवरेज पी रेशियो इज अराउंड 20.7। तो ऐसा ये हिस्टोरिकल एवरेज पी रेशियोज है कंपनी के। बट करंटली अगर हम देखेंगे बिकॉज ऑफ द रिसेंट रन लास्ट 1 ईयर में जो 75% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिए हैं, तो वहां पे इसका करंट पी रेशियो समझ में आ रहा है 44.61 का। तो ये दर्शाता है कि यहां पे कंपनी एक तरीके से आप देखोगे तो आप लोगों को और वैल्यूएशन भी लग सकता है, और दूसरा है या फिर प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। ओवरऑल जो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स है या अगर उनके नाम हम आप लोगों के सामने बताए तो रैलिस इंडिया हुआ, या फिर शारदा क्रॉपकेम हुआ, या मेक मनी ऑर्गेनिक्स हुआ, या धनुआ एग्रीटेक हुआ, तो इनके कंपेरिजन में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। तो वो एक छोटी रिस्क हमेशा रहेगी, एक छोटी सी भी निगेटिव न्यूज या फिर एक छोटा सा भी निगेटिव डिसअपॉइंटमेंट आप बोल सकते हो फ्रॉम रिजल्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहां स्टॉक करेक्ट हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है वहां पे अगर कुछ निगेटिव न्यूज आती है तो। बट ओवरऑल चाइना की तरफ से जिस तरीके से केमिकल सेक्टर पे थोड़ा सा एक निगेटिव व्यू लिया गया है, वहां पे प्रोडक्शन के बहुत सारे बैरियर्स लगे हैं, इवन उनके वेजेस जो है वो भी वहां पे इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक अच्छा खासा प्रोडक्शन का कट वहां हुआ है एंड प्रोडक्शन जो रिप्लेसमेंट है वो इंडिया की तरफ मार्केट की तरफ देखा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी को भी अवेलेबल हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है दोस्तों। तो यहां पे भी आप लोगों ने ध्यान रखना चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिजल्ट्स आएंगे वो उनको आप लोगों ने क्लोजली फॉलो करना चाहिए, रडार पे रखने जैसा स्टॉक है, नो डाउट अबाउट इट। बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कैसा इंटरेस्ट है ये हम अभी आप लोगों को बताएंगे। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में अगर हम देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स आर होल्डिंग अराउंड 16.83% इन दिस कंपनी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी अगर बात करते हैं तो 14.69% का होल्डिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी इस कंपनी में रखा है। जनरल पब्लिक के पास अराउंड 14% का स्टेक है। अदर DIIs यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है उनके पास अराउंड 2.98% का ये कंपनी में स्टेक है एंड प्रमोटर्स आर होल्डिंग क्लोज टू 51.38%। और प्रमोटर ने एक पैसे का भी जो स्टेक है वो प्लेज नहीं किया हुआ है। आजकल ये देखना बहुत जरूरी है कि प्रमोटर्स ने अननेसेसरीली अगर कहीं पे कोई कंपनी का स्टेक प्लेज किया हुआ है, कोई और बिजनेस इंटरेस्ट है जहां पे उन्होंने पैसा उठा के लगाया हुआ है, तो ये निगेटिव न्यूज मानी जाती है नॉर्मली। तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। सो ओवरऑल ये एक पॉजिटिव साइन है। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इसमें अपना स्टेक अराउंड 0.72% से बढ़ाया हुआ है। सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन। ओवर द लॉन्गर होराइजन ये काफी अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है, तो आप लोगों ने अपने रडार पे स्टॉक को रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो होते हैं दोस्तों वो एडवाइजर को पूछ के ही लेने चाहिए, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है उसके हिसाब से अपने आपके पोर्टफोलियोज बिल्ड करने चाहिए। हमने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज लॉन्च किए हैं कि जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, मॉडरेट इन्वेस्टर है, एग्रेसिव इन्वेस्टर है, उनके इक्विटी पोर्टफोलियोज कैसे होने चाहिए उसका एक एग्जाम्पल हमने रेफरेंस मॉडल पोर्टफोलियोज हमारे वेबसाइट पे डेवलप किए हुए हैं। तो अगर वो सब्सक्रिप्शन आप लोग लेना चाहते हो और आपके पोर्टफोलियो डेवलपमेंट में हेल्प लेना चाहते हो तो जरूर हमारी वेबसाइट investorsnet.in को विजिट कीजिए, वहां से आप लोगों को ये सारी चीजें एक्सेस हो सकती है दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।